सो हेलो एवरीवन, हियर्स बुक्स ऑफ फ्लिक्स बैक अगेन विद वेरिटी बाय कोलिन हूअर। सो कल हमने देखी थी चैप्टर की समरी, अगर वो किसी ने नहीं देखी होगी तो क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द लास्ट वीडियो। सो हियर वी बैक अगेन विद चैप्टर 9 ऑफ सोप 8। वेरिटी की किताबें अच्छी चल रही थी और वे नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वेरिटी डे केयर में लड़कियों का नाम एनरोल करती है। बैक इन न्यूयॉर्क उनके पास एक नैनी थी, पर यहाँ नैनी मिलना मुश्किल था, इसीलिए वो लड़कियों का नाम एनरोल करती है। हालांकि जेरेमी बहुत परेशान है। वेरिटी अज्यूम करती है कि जेरेमी इसीलिए परेशान होगा कि उसे लगता है कि डे केयर वाले चेस्टिंग की पीनट एलर्जी के बारे में लापरवाह होंगे। हालांकि जब अंत में वेरिटी जेरेमी से बात करती है तो वह कहता है कि तुम सिर्फ चेस्टिंग के बारे में लगातार बात करती हो और हार्पर की केयर के बारे में परवाह नहीं करती। वेरिटी ने उसे बात करते हुए कहा है कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे दो अलग बच्चे हैं जिनकी ज़रूरतें अलग हैं। वह यह भी कहती है कि डे केयर के शिक्षकों को लगता है कि हार्पर को एस्पैगर है। एस्पैगर एक बीमारी है कि जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते और सराउंडिंग के साथ सोशलाइज नहीं हो सकते। अपने बुरे मूड से छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए वेरिटी झूठ बोलती है और जेरेमी को बताती है कि वह फिर से प्रेग्नेंट है। वह खुश है, यानी कि जेरेमी खुश है, और वह सोचती है कि जब वह प्रेग्नेंट होती है तो वो उससे ज़्यादा प्यार कैसे करता है। एज दे मेक लव दैट नाइट, वेरिटी खुद को बोलती है कि मिसकरेज फेक दिखाना सबसे आसान चीज़ है। सो ही इज द चैप्टर समरी। अगर किसी को पसंद आई हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो टू नो हाउ वॉज इट। टू गेट द समरी ऑफ नेक्स्ट चैप्टर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू नो अबाउट अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।